यानी ये पहला डे नाइट मैच होने वाला है। तो कानपुर के इस स्टेडियम में विराट कोहली ने कदम रखते ही इतिहास रच दिया है, क्योंकि विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी जब से संभाली है उसके बाद कानपुर में कम ही मैचेस हुए हैं और कानपुर में उन्होंने रिकॉर्ड पारियां भी खेली हैं। और कानपुर का ये स्टेडियम विराट कोहली के लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि विराट कोहली ने यहां पर 22 से लेकर 26 सितंबर 2016 तक टीम इंडिया के लिए कप्तानी करते हुए 500वां टेस्ट मैच खेला, और जो पूरे कानपुर के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो वहीं पहला T20 मैच जो खेला गया था विराट कोहली की कप्तानी में, वह भी यहीं पर खेला गया था, ग्रीन पार्क में। 26 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। राष्ट्रीय पर्व पर खेले गए मैच में कप्तानी कर रहे कोहली ने ग्रीन पार्क से अपना नाता और मजबूत कर लिया। इस मैच में टीम इंडिया हार गई, लेकिन कानपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के T20 मैच आयोजित करने वाले शहरों की सूची में शामिल हो गया। ग्रीन पार्क के मैदान में जो भी मैच अभी तक खेले गए हैं उनमें से कोई भी मैच डे नाइट मैच नहीं था, यानी ये पहला डे नाइट मैच होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन कौन से रिकॉर्ड्स यहाँ पर बनने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट करें। और इस मैच से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, जी हाँ दोस्तों सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।